मैडम लाइसेंस बताना। ठीक है, गाड़ी में क्या है पीछे? चलो खोल के दिखाओ। जल्दी करो मैडम, पीछे लाइन लग जाएगी। कॉफिन? ये भी आपका फर्नीचर है क्या? जी साहब, ये ड्राइंग रूम का सेंटर टेबल है। सेंटर टेबल कॉफिन? एक मिनट। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये क्या है? अरे खुरे तो ए! आपको क्या? चलो सर, दोबारा गाड़ी चेक करना, गाड़ी रुकी आप। लेकिन साहब अभी तो चेक किया आपने। मैंने कहा ना, गाड़ी दोबारा चेक करनी पड़ेगी, प्लीज। लेकिन साहब, आप चुपचाप बैठी रहिए, पुलिस को अपना काम करने दे, ठीक है? आओ चलो चेक करते हैं। हेलो, मैं अमित हूँ। आप शायद 30 नंबर में शिफ्ट हो रही हैं, राइट? मैं 14 में रहता हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। आप अकेली शिफ्ट हो रही हैं? इसे छूना मत। मैं तो आपकी मदद कर रहा था। क्या मैंने आपसे आपकी मदद मांगी? मैंने देखा आपको अकेले आप उठा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये गंदा हो जाएगा। Sorry. अमित, अरे ये क्या, हमारे नए पड़ोसी आ गए। अमित, ये क्या बात हुई? वो बेचारी लड़की अकेली इतना भारी सामान उठा रही है, जाके उसकी मदद नहीं कर सकते? निखटू की तरह खड़े हो। कोई बेचारी बेचारी नहीं है, मैं गया था उसकी मदद करने। ऐसे बेइज्जती से पेश आई, ऐसा लग रहा था पैसे मांग लूंगा मदद करने के बदले। अरे बाबा, उसका मूड खराब होगा। तो क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? तेरी नाश्ता बनाया, चला जा। चलिए मैं आता हूँ। आ जा। है क्या इसको? ऐसे चिल्लाती जैसे सामान चोरी कर लेता ना उसका। Thank you.
को इतने जोर से कौन हंस रहा है? ये लड़की और ये आदमी कौन है इसके साथ? वो सुबह वाली लड़की तो अकेली आई थी, फिर ये दोनों कौन है? जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। सेंसेक्स एक बार फिर 12,000 के नीचे बंद हुआ। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, ये लोग बिना पता नहीं कहां कहां से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ गए। लड़की की लाश मिली है, लड़की की मौत कैसे हुई ये तो अब तक पता नहीं चला है, लेकिन लाश की हालत बहुत अजीब है। बताया गया है कि लड़की की गर्दन पर दो छोटे निशान है। लड़की तो वही है जिसको कल रात मैंने, ये जरूर उसी आदमी का काम है, शक्ल से ही खूनी लग रहा था। ये घर कुछ डरावना सा लग रहा है। इतने सालों से मैं यहां रहता हूं और आज पहली बार कुछ अजीब सा लग रहा है। गाड़ी भी यहीं पर खड़ी है, मतलब ये लोग घर पर हैं। अजीब लोग हैं, दिन में भी खिड़की बंद रखते हैं। किसी ने यहां जमीन खोद कर कुछ छुपाया। ये तो वही कॉफिन है जो वो लड़की कल सुबह लेकर आई थी, पर इसको गार्डन में क्यों खोद के डाल है? जरूर कोई चक्कर है। ये कैसे हो सकता है? ये आदमी तो खुद मर चुका है, फिर वो उसको कैसे मार सकता है? उस बंगले में जरूर कुछ हो रहा है। जब वो कॉफिन का ढक्कन हटा उसका चेहरा जलने लगा। जब से ये लोग आए तब से जरूर कुछ कर पड़े। मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, पर मैं पुलिस को समझाऊंगा कैसे?
सबूत मांगा तो सबूत कहां से लाऊं? ये सब है क्या आखिर? कौन है ये लोग और यहां क्यों आए? मुझे पता करना ही पड़ेगा। आज रात को फिर मैं चुपके से वहां जाऊंगा। मुझे अपना काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इस घर में कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। ये किसका खून है? Oh my God! शायद इस फ्रिज में लाश है। अभी तो हम यहाँ आए, अब देखना है कि अभी हमें और कितने अच्छे शिकार मिलते हैं। कुछ आवाज आई। मतलब कोई है यहाँ? देखते हैं। ये फोन कहाँ गिर गया? हे भगवान, आज मुझे बचा। कुछ नहीं रुद्र, खिड़की पे फ्लावर पॉट रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया, शायद हवा आई होगी। अमित। अरे अमित, क्या बात है यार, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अमित, मैं डर गई थी, तुम्हारी आवाज फोन पे इतनी कांप रही थी कि मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अब बताओ क्या बात है? तुम लोगों को वैम्पायर्स के बारे में कुछ पता है? वैम्पायर्स? वो जो कहानी में होते हैं, खून भी पीते हैं। वैसा ही एक आदमी मेरे घर के बाजू वाले बंगलों में आया है। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ।
परसों एक लड़की वही बंगलों में शिफ्ट हो रही थी और उसके पास एक कॉफिन था। कॉफिन? हाँ, फिर रात में मैंने उसी बंगलों में एक आदमी को किसी और लड़की के साथ देखा। सुबह जब मैंने टीवी पर न्यूज देखा तो न्यूज में वो लड़की की लाश थी। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं पता करने उनके बंगलों में चला गया। जैसे ही मैं बंगलों पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक गड्ढे में वही कॉफिन है। मैंने उस कॉफिन को खोला तो मैंने देखा कि उस कॉफिन में वही रात वाले आदमी की लाश है। वाह, ब्रिलियंट, कमाल की स्टोरी है। कम ऑन सचिन, बी सीरियस यार, पहले उसकी बात तो सुन लो। अच्छा, अभी और भी है। पहले लड़का मरता है, फिर लड़की मरती है, फिर लड़का जिंदा हो जाता है और वो खून पीता है। वाह, क्या बात है। मुझे पता था तुम लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। ये लो, देख लो। अरे यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं है इन सब बातों पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको बताऊं, किसके पास जाऊं, इसीलिए तो तुम दोनों को बुलाया। डोंट वरी अमित, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, प्रोफेसर बाशक। वो ऐसे ही खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो कल सुबह तक वापस आएंगे। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे, अगर मैं आज अपने घर चला गया तो वो लोग मुझे जान से आज ही मार देंगे। लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है अमित, बस एक रात की तो बात है, लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, 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 कहाँ हो आप? जवाब क्यों नहीं दे रही? वो ठीक तो है? इतनी रात को कहाँ चली गई? मुझे कुछ बताया भी नहीं। अमित, अमित बेटा, मैं किचन में हूँ, आ जाओ। मॉम, हाँ, आप यहाँ हो? मैं पूरा घर में आपको ढूंढ रहा था, और आप इतनी रात को किसके लिए खाना पका रही हो? बेटा, मैंने आज डिनर पे किसी को बुलाया है। ये बिन बताए कौन से मेहमानों को बुला लिया आपने? अमित, अमित, कहाँ हो तुम? तुम? बेटा, लड़कियों से बात करने का भी एक तरीका होता है, और उस दिन इसका मूड खराब था, लेकिन आज देखो इसका मूड कितना अच्छा है, क्यों साक्षी? Excuse me. अरे, लगता है मेरे कमरे में कोई है। मैं रुद्रा हूं। साक्षी बता रही थी कि तुम हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो, तो लो, मैं खुद ही आ गया। नहीं, वो मैं, अच्छा, तो तुम वैम्पायर्स के बारे में जानना चाहते हो, गुड, लेकिन इसके लिए ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत? मुझसे पूछो, मैं वैम्पायर्स के बारे में सब कुछ जानता हूं, बहुत साल से उनके साथ रहता है। बेटा अमित, खाना तैयार है। तुम्हारा आखिरी दिन, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। यही होना चाहिए। हाँ, वैम्पायर से बचने का तरीका,
वैम्पायर्स को लाइट नहीं पसंद, उन्हें अंधेरा पसंद है। अगर कहीं पर लहसुन रख दिया जाए तो वो पास नहीं आते। लहसुन भी लगा दिए, कैंडल्स भी जला दिए। किताब के अनुसार जो भी था मैंने सब तैयारी कर ली। अब रुद्र क्या, कोई भी वैम्पायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है तुम लोगों को। हाँ, मुझे फिर से सारी कैंडल जला देनी चाहिए, बस किसी भी तरह एक बार ये रात बीत जाए। आज तो तुम बच गए, लेकिन हमेशा नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो जान ही निकल गई। सर उसने मुझे धमकी दी है कि आज मेरा आखिरी दिन है, वो मुझे भी मार देगा सर। अमित, प्रोफेसर बाशिक को भी दिखाओ जो तुमने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। ये देखिए सर। गुड, वेरी गुड। सर रिया ने कहा कि आप ऐसे खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं सर। रिलैक्स रिलैक्स अमित, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया। अरे मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। दुनिया वालों ने प्रोफेसर बाशिक का बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत मजाक उड़ाया है। मेरी रिसर्च को बकवास समझा है सब लोगों ने, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। अब मैं उन सबको दिखाऊंगा दुनिया में वैम्पायर्स सचमुच होते हैं। पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं था मुझे इन सब बातों पर, लेकिन ये सीन देखने के बाद शायद लगता है सच है। ऑफ कोर्स, यही तो दिखाना है सारी दुनिया को। अमित तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे दुनिया भर में इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं ना, मैंने उनकी अच्छी तरह से स्टडी की है, रिसर्च किया है। मेरे होते हुए वैम्पायर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू सो मच सर। मैंने जब उस टीवी न्यूज में उस लड़की की बॉडी देखी ना, बस मैं तभी समझ गया था कि ये किसी वैम्पायर का तरीका है। वाह क्या बात है, फिर तो हम भी वैम्पायर की वजह से फेमस हो जाएंगे। चलो चलो अभी चलते हैं। अरे नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये लोग ज्यादातर दिन में नहीं निकलते, रोशनी से इन्हें डर लगता है। हम लोग भी वहां रात में जाएंगे। बस यहीं पर सो। आइए सर, यही है वो बंगला। इसे देखकर मुझे कुछ होने लगता, कुछ अजीब सा।
डोंट वरी अमित, डरने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना तेरे साथ। यस, चल। तुम और ये सब लोग क्या चाहते हो तुम? मैं प्रोफेसर वाशिक और मुझे मिस्टर रुद्रा से मिलना है। आइए आइए, आप लोग सब बैठिए, मैं रुद्र को बुलाती हूँ। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात कर रहा है यार, कितना ब्यूटीफुल बंगला, लगता है यहीं पे बस जाऊं, बहुत अमीर लोग लगते हैं। सचिन, सचिन, किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं प्रोफेसर। बच्चा, और बच्चों से तो ऐसी गलतियां होती रहती। तो बताइए प्रोफेसर बाशिक, यहां कैसे आना? आप मुझे जानते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला महान प्रोफेसर बाशिक को कौन नहीं जानता? आप ही तो है ना जो पूरी दुनिया के सामने यही साबित करना चाहते हैं कि वह एम्पायर्स होते हैं। वैसे प्रोफेसर साहब, आप और लोगों से कुछ ज्यादा मिलते जुलते नहीं, यहाँ कैसे आ गए? वो दरअसल मैं समझ गया प्रोफेसर, ये लड़का आपको यहाँ लेकर आया ना। क्यों अमित, जरूर तुम्हें प्रोफेसर को बताया होगा कि इस घर में एक वैम्पायर है और वो वैम्पायर मैं हूं। ना प्रोफेसर, चलिए आपका काम मैं आसान कर देता हूं। बताइए, ये साबित करने के लिए कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ लाए आप? वो ये खास झरने का पानी है, अगर इसकी एक बूंद भी वैम्पायर के अंदर चली जाए तो वो वही मर जाता है। चाहते थे ना आप लोग? आप भी ना प्रोफेसर, क्या बच्चों की बात में आ गए? और कुछ? वी आर वेरी सॉरी मिस्टर रुद्र, हमसे गलती हो गई। रिया, सचिन, अमित, चलो। आपसे जरूर कोई गलती हुई है प्रोफेसर साहब, इसे मैंने अपनी आंखों के सामने वैम्पायर बनते हुए देखा था। ए लड़के, तुझे अभी तक मैं बच्चा समझकर छोड़ रहा था, पहले तू मेरे घर में बिना पूछे घुस गया और अब इन लोगों को लेकर आया, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
ऐसे नहीं सुधरे कर सॉरी सर सॉरी सर इसको छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए प्लीज छोड़ दीजिए आपसे कह रहा बच्चा है माफ कर दीजिए प्लीज 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 आप इसे छोड़ दीजिए माफ कर दीजिए देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी परेशान नहीं करेंगे आप लोग चलो चलो अमित सचिन चलो प्रिया चलो चलो प्रोफेसर साहब समझ नहीं रहा मैंने जल्दी घर से बाहर निकले जो बोल रहा है मैंने खुद उसे खून पीते हुए देखा आप लोग समझ क्यों नहीं रहे मैं इसकी सच्चाई सबको बता दूंगा सारी दुनिया को बता दूंगा लेक्स यार यहाँ पे कुछ नहीं है तूने देखा ना आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो ये रुद्रा सच में वैम्पायर मुझे मालूम है कि ये वैम्पायर ही है क्या लेकिन उसने वो पानी कैसे पी लिया यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन किसी ना किसी किताब में इस बात का जवाब जरूर मिल जाएगा हो सकता है कि उस पवित्र पानी का असर उस पर इसलिए नहीं हुआ वो कि वो वैम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर है शायद हजार साल पुराना हजार साल लेकिन आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि रुद्रा ही वैम्पायर है तुमने ध्यान नहीं दिया हॉल में जो आईना लगा है उसमें रुद्र दिखाई नहीं देता तो अब हम क्या करेंगे वो सीधे अमित के पीछे आएगा सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए अगर रुद्र को पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई का पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्या मुश्किल हो जाएगी प्रोफेसर साहब ये समझाने का ना तो वक्त है और ना जगह चलो सबसे पहले हमें ऐसा निकल चलना चाहिए मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा चलो चलो ये प्रोफेसर इतनी आसानी से कैसे मान गया रिया जी सर तुम यहां से चली जाओगी ना जी मुझे दूसरी तरफ जा रहा है ओके सर और अमित तुम भी दोनों के साथ यहीं पे उतर जाओ ओके सर अमित इधर आओ जी सर मैंने जो तुमसे कहा उसका ध्यान रखना आज रात तुम अपने घर मत जाना सचिन के घर चले जाना कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर दूंगा लेकिन सर हम लोग कल करेंगे क्या आज रात में उसके बारे में और रिसर्च करूंगा कल सुबह तक मैं कोई ना कोई इंतजाम करके रहूंगा तुम लोग अपना ध्यान रखना और मेरी बात जो मैंने कही है उसे भूलना मत ओके गुड नाइट सचिन तू घर निकल और मैं रिया को छोड़ के पहुंचता हूँ ठीक है ओके लेकिन तू भी घर जल्दी पहुंचना ओके चल बाय गुड नाइट अरे सचिन सर तुम इस वक्त यहाँ सर सर वो वैम्पायर रिलैक्स 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 कम कम अंदर अंदर सर रिलैक्स रिलैक्स सर सर वो वैम्पायर वो अमित को मार डालेगा वो अमित को मार डालेगा वो हाँ कुछ भी करके अमित और रिया की जान बचा लो सर उनकी जान खतरे में वो वैम्पायर उन लोगों को मार डालेगा सर किसी भी तरह से उन लोगों को बचा लो सर लेकिन लेकिन हुआ क्या आपके जाने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा सड़क के मोड़ पे एक वैम्पायर खड़ा हुआ है और वो हमें देखते ही हमारे पीछे भागा और मैं अपनी जान बचाकर आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ सर माय गॉड इसका मतलब उस वैम्पायर के बारे में पता करने का भी बिल्कुल वक्त नहीं है मैं कुछ करता हूं
तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। अभी तो टाइम अमित। हाँ अमित, कहाँ हो तुम? और रिया कहाँ है? तुम दोनों ठीक हो ना? प्रोफेसर, रुद्र ने सचिन को जान से मार दी। ये कैसे हो सकता है? सचिन तो यहाँ है, मेरे घर में नीचे। तुमसे जरूर कोई गलती हुई होगी अमित। नहीं प्रोफेसर, गलती कैसे हो सकती है? मैं और रिया, हम दोनों सचिन के लाश के सामने बैठे। हाँ अच्छा, तुम दोनों कहाँ हो अभी? हम दोनों यही रास्ते में कहीं छुपे हुए हैं। आप जल्दी से आ जाइए प्रोफेसर। तुम लोग वहीं छुपे रहो, मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ। सचिन, सचिन कहाँ चला गया? सचिन, सचिन, जरूर कोई चक्कर है, तुम सही कह रहे थे। सचिन, क्या हो गया तुम्हें? सचिन, नहीं सचिन, रुक जाओ। तुम भी वैम्पायर बन गए, हट जाओ। नहीं, आगे मत बढ़ो सचिन, बहुत लोगों की जान ली है तुम लोग। बहुत लोग मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ सचिन। संभल के। ये खोल क्यों नहीं? अब क्या करें? दूसरा चेक करते चल। कहां चुप कर भागा था? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। Ugh!